नशे और मिलावट के खिलाफ एक्शन में कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा। इस मैक और नकली दूध विक्रेता की सूचना देने पर 11,000 का इनाम घोषित। शिवपुरी जिले में इस मैक के नशे का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। युवा और नाबालिग तक अब इसकी जद में है। बावजूद इसके प्रशासन इस मैक के नशे के अवैध कारोबार के नेटवर्क पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। इस मैक और केमिकल से निर्मित जहरीले दूध की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अब जिले के एकमात्र कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने हुंकार भरी है। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने इस मैक के नशे की वजह जिले में हो रही युवाओं की मौत का मामला उठाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इस मैक और केमिकल युक्त दूध बिक्री करने वाले लोगों की सटीक जानकारी देने पर अपनी ओर से 11,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। जी हां, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए शिवपुरी जिले और खासकर पोहरी विधानसभा के नागरिकों से अपील की है कि वे इस मैक बेचने वालों का वीडियो बनाकर उन्हें भेजे, वे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाएंगे। विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा, इस मैक और केमिकल युक्त दूध की सूचना देने वालों को वे अपनी ओर से 11,000 रुपए का इनाम देंगे। साथ ही सूचना देने वाले का नाम भी अगर वह चाहे तो गुप्त रखेंगे। सुनिए क्या कहा पोहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने। नमस्कार, मेरे सभी पोहरी विधानसभा और सीबरी जिले के हमारे जिम्मेदार साथियों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जिले में नशा खत्म करना है। इसके लिए आप सबकी सहयोग की जरूरत है। सीबरी जिले में और पोहरी विधानसभा में विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्मैक बेचते हुए वीडियो या कोई और साक्ष्य आप हमें बताएं, हमारी जिम्मेदारी है उनको गिरफ्तार करवाने की और बताने वाले के 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसी के साथ हमारे पूरे ज़िले में केमिकल युक्त दूध बनाया जा रहा है, बनाने वाले और बेचने वाले पर भी सभी साथियों के सहयोग से हम कार्रवाई करेंगे और इनकी वीडियो नशा केमिकल युक्त दूध बनाने वाले की वीडियो, बेचने वाले की वीडियो या कोई साक्ष बताता है तो उसको भी 11,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं हमारे सभी जिम्मेदार साथी और जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सबके सहयोग की जरूरत है। हमें सीपरी में युवाओं को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, हमारे कई घर बर्बाद हुए हैं उनको बचाना है और कई हमारे साथी इस नशे में इस दुनिया को छोड़ गए हैं और उनकी परिवारों की क्या स्थिति है। हम सब मिलकर सहयोग करें और मैं पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की उम्मीद करता हूं कि सब सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।